हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 89। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या बिना। ओके सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बिना है, उसने हमसे बोला है कि एट फैमिली मेम्बर्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, ओके, फोर ऑन ईच साइड सच दैट पर्सन सिटिंग इन रो वन फेसेस द पर्सन सिटिंग इन रो टू। ओके उस टाइम से बोला क्या आपके पास एट पर्सन है, एट फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, जो कि दो पैरेलल रोज पे बैठे हुए हैं। फाइन, फोर ऑन ईच साइड मतलब कि यहाँ पर चार लोग हैं और यहाँ पर चार लोग हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। उसके बाद ईच वन ऑफ देम इज़ रिलेटेड टू ई इन सम मैनर, ओके, और हर एक मेम्बर किसी ना किसी तरीके से ई से रिलेट करता है, ठीक है। नंबर ऑफ मेल्स आर मोर देन नंबर ऑफ़ फीमेल्स, ओके, जो नंबर ऑफ़ मेल्स हैं वो क्या है, इस फैमिली में ज़्यादा है नंबर ऑफ़ फीमेल्स से, ठीक है। इतनी आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इन्हीं सब पर बेस उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दी हैं। तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ओके सो एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पर कंडीशंस लिखता हूँ। देखिए उसने हमें क्या बताया, उसने बोला कि ईज डॉटर इज फेसिंग द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई सन, ओके। उसने बोला कि ए की जो डॉटर है, ठीक है, ए की एक डॉटर है, फाइन, वो कहाँ पर बैठी हुई है, वो फेस कर रही है उस पर्सन को जो कि इमीडिएट लेफ्ट में है ई के सन से, ओके। सो मान लेते हैं ए की डॉटर है ये, ठीक है, ये फेस किसको कर रही है, उस पर्सन को जो कि इमीडिएट लेफ्ट में है ई के सन से, फाइन, मतलब कि ई का एक सन भी है, ठीक है। उसके बाद ईज नीस वॉज सिटिंग टू प्लेसेस अवे फ्रॉम सी, ओके, ई की एक नीस भी है, ठीक है, ई की एक नीस है और वो कहाँ बैठी हुई है, वो टू प्लेसेस अवे फ्रॉम सी, ओके, ई की जो नीस है, ओके, ईज नीस वो टू प्लेसेस अवे है किससे, सी से, ठीक है। उसके बाद डीज फादर इन लॉ इज फेसिंग द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू ई सिस्टर, ओके। उसने बोला कि डी का फादर इन लॉ है एक, ठीक है, डी के एक फादर इन लॉ है, ओके, वो कहाँ पर है, वो फेस कर रहे हैं उस पर्सन को जो कि इमीडिएट नेक्स्ट है किससे, ई के सिस्टर से, ओके। तो डी के जो फादर इन लॉ है, डीज फादर इन लॉ, ठीक है, वो फेस किसको कर रहे हैं, वो उस पर्सन को फेस कर रहे हैं जो कि इमीडिएट नेक्स्ट है किससे, ई की सिस्टर से, ओके, ईज सिस्टर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ई की एक सिस्टर भी है, ओके। उसके बाद उसने बोला कि सी सन वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू ईज हस्बैंड, ओके, सी का जो सन है, ठीक है, वो कहाँ पर बैठा है, इमीडिएट नेक्स्ट टू ईज हस्बैंड, मतलब ई आपके पास क्या है, फीमेल है, इतना मैं कंफर्म हो गया, और ई का एक हस्बैंड भी है, ठीक है। तो सी का जो सन है, ओके, सी का जो सन है, सी सन वो इमीडिएट नेक्स्ट है किससे, ई के हस्बैंड से, ठीक है, ई का हस्बैंड, ओके। सो यहाँ से सी का एक सन भी है, इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, डी कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच है, ओके। उसके बाद उसने बोला कि ईज फादर वॉज फेसिंग सी, ओके, ई के जो फादर हैं वो फेस किसको कर रहे हैं, सी को फेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या ई के एक फादर भी हैं, ठीक है। उसके बाद देयर वॉज ओनली वन सिंगल पेरेंट इन दी फैमिली, ओके, इस फैमिली में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट है, ठीक। उसके बाद एफ वॉज सिटिंग टू प्लेसेज अवे फ्रॉम हिज आंट, ओके, एफ अपनी आंट से दो प्लेसेज अवे है, ठीक है, तो एफ की एक आंट भी है, ठीक है, ओके। उसके बाद उसने बोला डी डिड नॉट मैरी द पर्सन हुज नेम स्टार्ट्स विद अ लेटर विच इज एडजेसेंट टू डीज पोजिशन इन अल्फाबेटिकल सीरीज, ओके। उसने बोला कि डी की शादी उसके साथ नहीं हुई है जिसका जो लेटर है, ठीक है, इनिशियल जो लेटर है वो डी की पोजिशन के पास आता हो अल्फाबेटिकल सीरीज में, मतलब कि डी की शादी किसके साथ नहीं हुई होगी, ई के साथ और सी के साथ, ठीक है। उसके बाद एफ एंड ई डू नॉट सिट इन द सेम लाइन, ओके, एफ और ई सेम लाइन में नहीं है,
फाइन, उसके बाद एच इज कजन ऑफ एफ, एच क्या है वो कजन है किसका, एफ का, ओके. उसके बाद डी डू नॉट सेट एट दी राइट एंड, ओके डी सॉरी बी राइट एंड पर नहीं है, बी राइट एंड पर नहीं है, ओके फाइन. तो इतनी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अब देखिए इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे. ओके सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करने जाएँ इसका फैमिली ट्री बनाने से, तो देखिए आपको क्या क्या पता है कि ई का फीमेल है, इतना आपको पता है, ठीक है. ई का एक हस्बैंड है, फाइन. ई का एक सन है, ई की एक सिस्टर है, ठीक है. ई की क्या एक नीस है, फाइन. ई का एक फादर है, ठीक है. अभी तक आपको इतनी चीज़ें पता हैं सर. उसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला था. अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो उसने हमसे कहा था कि डी के जो फादर इन लॉ है, मतलब उसने डी के फादर इन लॉ की बात करी. अब डी का फादर इन लॉ कहाँ आ सकता है, ध्यान से समझिएगा. उसने हमसे एक पॉइंट बोला था कि आपके पास सिर्फ एक ही क्या है, सिंगल पेरेंट है, फाइन. एक क्या है, सिंगल पेरेंट है. तो देखिए अगर मैं इन केस यहाँ पर बना देता हूँ डी को, इन दैट केस आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बना देता हूँ तो इसके ऊपर बनेगा, तो आपके पास एक ये सिंगल पेरेंट हो जाएगा और एक जो आपके पास ऊपर है वो भी क्या हो जाएगा, सिंगल पेरेंट हो जाएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो आपके पास क्या, दो सिंगल पेरेंट हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब क्या है, आपके पास डी कहाँ आ सकता है, डी आपके पास सिर्फ सेकेंड जनरेशन में आएगा. और अगर डी आपके पास सेकेंड जनरेशन में आएगा, इन दैट केस अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो कहाँ बना पाएंगे. देखिए उसने हमसे कहा था कि जो डी की शादी हुई है, ठीक है, वो ना ही ई के साथ है ना ही सी के साथ है. इसका मतलब क्या है, डी आपके पास यहाँ पर तो आ नहीं सकता है. तो डी कहाँ पर आएगा, डी आपके पास सिर्फ यहीं पर तो आएगा ना, ठीक है. डी की शादी इसके साथ हुई, मतलब डी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और उसकी शादी इसके साथ हुई है. इसका जो फादर इन लॉ है वो कौन हो जाएगा, जो ई का क्या है, फादर है, ठीक. इतना क्लियर हो गया. उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि एफ़ की क्या है, एक आंट है, ठीक है. अगर एफ की एक आंट है तो देखिए एफ कहाँ आ सकता है, एफ को हम यहाँ पर नहीं बना सकते बिकॉज इन दैट केस ऑल्सो फिर वही चीज़ हो जाएगी. अभी आपके पास एक सिंगल पेरेंट हो रहा है ना, अगर आप यहाँ पर एफ को बना देते हैं तो आपको एक आंट भी बनानी पड़ेगी. और अगर मैं फिर आंट को बनाता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो आपके पास सिंगल पेरेंट एक नहीं रहेगा. तो फिर इसका मतलब क्या है आपके पास, अब देखिए मैं एफ को अगर बनाना चाहूँ तो मैं इस वाली जनरेशन में ही बना सकता हूँ. या तो आप यहाँ पर बनाएंगे एफ को, या फिर आप यहाँ पर बनाएंगे एफ को. अगर इन केस मैं एफ को यहाँ पर बनाता हूँ तो इसकी आंट कौन होगी, ई होगी, ठीक है. मतलब क्या, एफ और ई दोनों एक साथ बैठे होंगे, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए उसने कहा था कि जो एफ है वो कहाँ पर है, वो टू प्लेसेस अवे अपनी आंट से. लेकिन उसने हमसे क्या बोला कि ई और एफ दोनों सेम रो पे नहीं है. इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये चीज़ कन्फर्म होगी कि जो वो एफ की बात कर रहा है वो एफ किसकी बात कर रहा है, वो एफ इसकी बात कर रहा है, ठीक है. अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर अगर बनाता हूँ तो उसने हमसे एक पॉइंट बोला था क्या कि जो आपका सी है, ठीक है, वो फेस किसको कर रहा है, ई के फादर को फेस कर रहा है, ठीक है. मान लेते हैं आपका सी है और ये फेस किसको कर रहा है, ई के फादर को कर रहा है, ठीक है. और जो सी है वो टू प्लेसेस अवे किससे, ई की नीस से. तो मतलब क्या, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक आपके पास ई की नीस हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सी यहाँ पर हो, ठीक है, ई का फादर हो यहाँ पर और एक प्लेस छोड़कर यहाँ पर कौन हो, ई की नीस हो, ठीक है, ये बन सकता है. अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कि यहाँ पर देखिए सी का क्या एक सन है ना, अगर सी का एक सन है तो सी कहाँ हो सकता है. देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास सी यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा क्योंकि डी की शादी सी के साथ नहीं हुई है, ठीक है. सिमिलरली सी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता बिकॉज अगर हम यहाँ पर देखें तो सी और ई का जो फादर है वो अलग अलग है. तो आपके पास सी के आने की सिर्फ एक पोजीशन है कि आपका सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है. अगर सी यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, फाइन. और ये कौन हो जाएगा आपके पास, एफ का फादर हो जाएगा, ठीक है. मतलब क्या, अगर हम बात करें यहाँ पर उसने हमसे कहा था कि जो सी का सन है, सी का सन मतलब एफ, ठीक है, वो ई के हस्बैंड, ई के हस्बैंड मतलब सी, इन दोनों के पास मतलब क्या, सी और एफ दोनों साथ में होंगे. अगर सी और एफ दोनों साथ में होंगे इसका मतलब क्या है, आपके सी यहाँ पर है तो एफ या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर एफ यहाँ पर हो सकता है, सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है. उसने हमसे एक पॉइंट बोला था क्या कि आपके पास जो ई का सन है, मतलब क्या, ठीक है, वो कहाँ पर है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है वो फेस किसको कर रहा है, ए की डॉटर को कर रहा है. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास, देखिए
एफ कहाँ पर आ सकता है? अगर इन केस में पुट करना है तो एफ को यहाँ पर, ठीक है, तो ये जिसको फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब कि यहाँ पर आपके पास कौन होनी चाहिए थी? ए की डॉटर होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे, तो अगर मैं इन केस एफ को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? एक पर्सन यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे? एक रो में फाइव हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपके पास ये पॉसिबिलिटी तो काम नहीं करेगी। इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, अगर एफ़ यहाँ पर है तो देखिए इसकी जो इमीडिएट लेफ्ट में है वो फेस किसको करेगा? ए के डॉटर को, यहाँ पर तो नहीं सकता। तो मतलब कि आपके पास एफ़ कहाँ पर आएगा? यहीं पर आएगा। अगर एफ़ यहाँ पर आएगा तो आपके पास ए की डॉटर कहाँ होगी? ए की डॉटर होगी यहाँ पर, ठीक है, इतना बन गया आपके पास। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? डी और एच की। तो डी और एच को मैं कहाँ पर बना सकता हूँ, इसको और समझ लीजिए। ये कहाँ हो सकता है? या तो आपके पास यहाँ पर हो सकता है, या फिर आपके पास यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा ये कहीं। और उसने हमसे कहा था कि एच और एफ आपके पास क्या है? वो कजिन्स है। तो इसका मतलब क्या, एच आपके पास यहाँ पर कहीं आएगा? ठीक है, अगर एच आपके पास यहाँ पर कहीं आएगा तो देखिए उसको हम कहाँ पर पुट करा सकते हैं। अगर मैं ई की नीस की बात करूँ तो ई की नीस है ये, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो ई की नीस है ये। हम एक चीज़ जानते हैं ना कि आपके पास एच और डी यहाँ पर आएंगे, फाइन, इसका मतलब ई की जो नीस है वो डी तो हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब क्या, एच होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर एच यहाँ पर होगा, उसने कह रहा था कि नंबर ऑफ मेल्स आपके पास ज़्यादा है इस फैमिली में, तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? मेल हो जाएगा। तीन आपके पास क्या हो गए? फीमेल हो गए, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सो अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ, उस टाइम से एक और पॉइंट पूछा था इसका, कि जो डी का फादर इन लॉ है, डी का फादर इन लॉ, अब देखिए कौन होगा यहाँ पर? अगर हम बात करें, डी का फादर इन लॉ और ए का फादर दोनों सेम हो गए, ठीक है। उसने क्या बोला था कि डी का जो फादर इन लॉ है वो फेस किसको कर रहा है? उस पर्सन को जो कि एडजेसेंट है किसके? ई की सिस्टर के। तो अगर हम यहाँ से बात करें, ई की सिस्टर कहाँ होगी? यहीं पर तो होगी ना, ठीक है। अगर ई की सिस्टर यहाँ होगी तो इसका मतलब क्या है, एक चीज़ कन्फर्म होगी, ये आपके पास कहाँ आ सकता है? ये आपके पास सिर्फ यहीं पर तो आ सकता है, डी यहाँ पर और एच यहाँ पर, ये आपके पास पुट हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, ये आपके पास क्या है? ई की सिस्टर है, ठीक है, ये क्या है? ई की नीस है, ये ई का फादर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ए की डॉटर है, ठीक। अब देखिए आपके पास क्या क्या रह गया है, आपके पास अगर मैं पुट करने के लिए बात करूँ, ए रह गया, बी रह गया, सी डी ई रह गया, एफ जी, ये चार रह गए ना, ठीक है। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो देखिए, एक दो और तीन, ये ई तो खुद हो नहीं सकते हैं, इसका मतलब ई कहाँ पर होगा? ई यही तो होगा ना, मतलब क्या, जो ए का, ए की जो डॉटर है, ठीक है, वो कौन है? ई है। तो ए कहाँ पर हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ए यहाँ पर हो गया तो इन दोनों में क्या रह गया आपके पास? देखिए अगर हम बात करें, ए को हमने पुट करा दिया, ई को हमने पुट करा दिया, बी और जी रह गए, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ सकते हैं? बी और जी आ सकते हैं। ये आपके पास क्या है? सिस्टर है। अगर यहाँ पर हम बी को पुट करा देते हैं तो देखिए ये आपके पास कहाँ हो जाएगी? ये इस रो में राइट एंड पर हो जाएगी, इजंट इट। लेकिन उसने हमसे मना करा हुआ है क्या, कि आपके पास जो बी है वो राइट एंड पर नहीं है, इसलिए आपके पास बी होगा यहाँ पर, और बचा क्या आपके पास? आपके पास बताओ, जी जी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके हिसाब से ये मेल हो जाएगा, ये भी क्या है? ये भी आपके पास मेल है, फाइन। तो अगर हम इसमें बनाना चाहते हैं, आपके पास ई की नीस होगी बी, और ये कौन जाएगा? जी हो जाएगा। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।